वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों का आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में। और इसमें एक लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप लोगों को पता ही होगा कि हाउ टू गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का कुछ रीजन है, तो आप लोग वीडियो का एक एक लाइन अच्छे से सुनो और देखने का कोशिश करो लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम आपको देना कैसे है, क्वेश्चन आप लोग कैसे चेंज करोगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग कैसे चेंज करोगे। मान लो अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो और कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको उसका हिंदी में करना है या मराठी में करना है या गुजराती में करना है, तो आप कैसे करोगे। मार्क्स फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, बेसिक साइंस से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से किस टाइप का क्वेश्चन आपका आने वाला है, हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन होगा अगर आप ये वीडियो देखोगे तो शायद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फेसबुक पेज वगैरह आप लोग देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना और मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना, सबसे पहले गूगल खोलना और गूगल खोलने के बाद कोई सा भी आरआरबी खोलो। मैं बार बार बोलता हूँ, रेलवे सेंट्रलाइज्ड है, कोई सा भी आरआरबी खोलो, कहीं से भी आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, आरआरबी चंडीगढ़ खोला और इसका आपका जो है सो ऑफिशियल जो आपका आया वो मैंने खोला। अब यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 13 जनवरी 2019 को एक लिंक आया हुआ है यहाँ पे, क्लिक हेयर फॉर मॉक लिंक फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसको आपको देखना है, क्योंकि देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का आपका आएगा। अब देखो, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, तो आपके सामने इसी तरह का कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा। यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे या रोल नंबर डालोगे, जो भी आपको वहां पे बोला जाएगा, और यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड यूज होता है। देखो काफी लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि वर्चुअल कीबोर्ड होता क्या है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे और आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालोगे, ओके। और इसको करने के बाद यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आपका डाला जाएगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पे क्या है कि ये मॉक टेस्ट है, डेमो है, और यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। तो आप जैसे ही ये सारा डाल के साइन इन करोगे तो आपको देखो, और देखो यहाँ पे जैसे ही आपने साइन इन किया तो ये आपका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पेज खुलेगा। अब यहाँ से एक एक लाइन समझने का कोशिश करना। सबसे पहली बात कि काफी लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर एग्जाम का पेपर का लैंग्वेज मेरा किस में होगा, तो देखो यहाँ पे आप व्यू इन इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मतलब जिस तरह से था 3-2-5, 3-2-5 और 3-2-5, 15 लैंग्वेज। जैसे आपका पेपर 1 हुआ था उसी तरह से आपका पेपर 2 में भी टोटल 15 लैंग्वेज आएगा, ओके। ये आप समझ गए। अगर आप यहाँ पे व्यू इन इंग्लिश करोगे तो सारा लैंग्वेज आपका इंग्लिश आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे जा करके हिंदी करोगे तो देखो सारा आपका हिंदी आ जाएगा, ठीक है। जब आप सेलेक्ट करोगे तो सारा आपका हिंदी आ जाएगा। देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर इंग्लिश दिया हुआ है, अगर आप हिंदी करोगे ना तो आपका ये सारा हिंदी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं आ रहा है, ये मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपका हिंदी आ जाएगा। अगर आप उर्दू करोगे तो ये आपका सारा उर्दू आ जाएगा। अगर आप तमिल करोगे तो सारा तमिल आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आगे देखो, टोटल ड्यूरेशन आपका 150 मिनट्स है ना, मतलब 2.5 घंटा का आपका पेपर होगा। पार्ट ए आपका 90 मिनट्स का होगा और पार्ट बी आपका 60 मिनट्स का होगा। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चंस है और पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चंस है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ लोगों ने बोला था कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक चीज देखो, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये 1 देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, ओके। अगर आप देखोगे और आगे चले जाओगे, मतलब आप आंसर नहीं करोगे तो आपका वो रेड हो जाएगा, अगर आप आंसर कर दोगे तो आपका वो ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको मन करता है कि मैं रिव्यू करने के लिए छोड़ूं, तो आप ये 4 नंबर देखो, आप अगर रिव्यू करने के लिए छोड़ दोगे, जो अगर बाद में मुझे टाइम बचेगा तो मैं बाद में इसको देखूंगा, तो आपका 4 ये हो जाएगा ब्लू। और ब्लू प्लस ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपने इसको रिव्यू के लिए छोड़ा है लेकिन आपने इसका आंसर भी कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ही होता है कि आपने आंसर किया है, ठीक है। और ब्लू का मतलब मार्क फॉर रिव्यू। तो मैं आप लोगों को यहाँ से एक सजेशन दूंगा कि आप लोग
मार्क फॉर रिव्यू मतलब ये 4 नंबर ऑप्शन जो देख रहे हो ये मत करना, इसीलिए मत करना कि इतना टाइम नहीं बच पाता है कि आप लोग रिव्यू करोगे। अगर आपको रिव्यू करना ही है तो आप लोग मार्क फॉर रिव्यू करना, मतलब अगर आपको लगता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए लेकिन मुझे दोबारा से देखना है तो आप लोग मार्क करके रिव्यू करना। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचेगा ना तो ये जो आप मार्क किए हुए रहोगे ना तो रेलवे इसको कंसिडर कर लेता है कि आंसर आपने दिया है और इसको रेलवे काउंट कर लेता है कि इस क्वेश्चन को आपने बनाया है, इसीलिए ये चीज़ होता है, ठीक है। और रिव्यू काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि मान लो कि आप 40 क्वेश्चंस आप छोड़ दिए तो जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप क्या करोगे, 40 क्वेश्चंस को दोबारा से देखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन में टाइम देना है कौन सा क्वेश्चन में टाइम नहीं देना। इसलिए रिव्यू किया जाता है कि मान लो 40 क्वेश्चंस में टोटल आप 3 क्वेश्चंस रिव्यू के लिए रखे हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास टाइम बचेगा तो सिर्फ आप वो 3 क्वेश्चन को ही देखो, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। और रिव्यू उसी के लिए किया जाता है जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं बना लूंगा, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं उसमें रिव्यू करके क्या फायदा है। चलो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद देखो मैं आपको हर एक चीज अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लिक करना और यहाँ पे देखो एक होता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ लोग बोलते हैं कि निगेटिव है कि नहीं, तो जी हाँ निगेटिव है, आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/3 निगेटिव है, ओके। और आपका 90 मिनट्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका ऑटोमेटिकली, आप खुद सबमिट नहीं कर सकते हो, अगर आपको मन करेगा एक घंटा में 1 आवर में ही कंप्लीट कर दें तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ओके। और पार्ट बी में जो है आपका 60 मिनट आपको मिलेगा और 75 क्वेश्चंस रहेगा। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग पार्ट बी में भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये पता चल गया होगा कि पार्ट बी में भी मेरा निगेटिव मार्किंग है। अब एक होता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें देखो सारा लैंग्वेज आ रहा है, अगर आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो सारा का सारा पेपर आपका उसी लैंग्वेज में आएगा, याद रखना। अगर आप पंजाबी सेलेक्ट करोगे तो सारा पेपर आपका पंजाबी में रहेगा, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे सारा पेपर आपका हिंदी में रहेगा, और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो सारा पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कम्फर्टेबल हो आप लोग उसको डिफॉल्ट लैंग्वेज करना, जिसको हिंदी समझ में आता है हिंदी करेगा, जिसको इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 65 का लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट 65 में जा करके कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ करके। यहाँ पे आप लोग समझ जाना कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आपको वही करना है। चलो मैंने इंग्लिश कर दिया, फिर यहाँ पे आपको टिक आउट करना है और यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप आगे जाओगे तो देखो इस तरह से आपका टेस्ट लोड हो जाएगा, और देखो टेस्ट आपका लोड हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो गया आपका 90 मिनट्स का, और ये पार्ट ए है, मतलब अभी पार्ट ए आप दे रहे हो, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है। और देखो यहाँ से एक चीज आप लोग और अच्छे से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि 1 से है वो 2 पे जाएंगे 3 पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मन करेगा डायरेक्ट 10 पे जाने का तो देखो 10 पे मैं क्लिक करूंगा, मैं डायरेक्ट 10 पे चला जाऊंगा। अगर मुझे 20 पे जाना है मैं 20 पे चला जाऊंगा। अगर मुझे 30 पे जाना है मैं 30 पे चला जाऊंगा। अगर मुझे 100 पे जाना है मैं 100 पे चला जाऊंगा। कोई लिमिटेशन नहीं, आपको जहां जाने का मन है यहां से आप जा सकते हो। देखो मैंने 86 पे गया और मैंने इसका आंसर नहीं लगाया, 87 पे चला गया, 86 रेड हो गया है ना, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं किया। 87 में मैंने क्या किया, एक आंसर लगा दिया, और उसके बाद मैं 88 पे चला गया तो देखो 87 पे भी नहीं लिया। यही लोग गलत करते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने बनाया था 80 और सबमिट में दिखाया सिर्फ 50, ऐसा कैसे हुआ। तो आपको सेव करना पड़ेगा, अभी मैंने आपके सामने 87 में आंसर किया लेकिन मैंने सेव नहीं किया और मैं 88 पे चला गया तो देखो मेरा 87 नहीं लिया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। 87 जब आप आंसर करोगे तो आंसर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। देखो जैसे ही आप सेव करोगे तो वो सेव हो गया और आपका ये ग्रीन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लगाते हो तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सेव करना है। कोई सा भी आंसर, जैसे कि 46 पे गए
आपने आंसर लगाया, आप 47 पे मत जाना, आप 49 पे मत जाना, आप पहले सेव करना। कोई सा भी आंसर करोगे तो सबसे पहले क्या करना, सेव करना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। मान लो एक मिनट के लिए आपने 16 सेंटीमीटर कर दिया और 56 का, और आपने सेव कर दिया। अब क्या हुआ, 56 आपने बना लिया। मुझे मन कर रहा है कि मैं 56 का आंसर को चेंज करूं। दोबारा से जब मैंने सॉल्व किया तो मान लो मेरा आंसर 60 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर आया, तो हम क्या करेंगे। तो हम लोग देखो दो तरीका है, डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर पे मेरा क्लिक करेंगे तो अपने आप मेरा 16 से हटके 4 पे आ गया। जिस पे आप क्लिक करोगे वही आपका हो जाएगा, देखो है ना। तो ये कर सकते हो, उसके बाद आप सेव कर दो। तो ये सेव करोगे आप तो देखो मैंने 16 को हटा करके 32 किया तो मेरा ये आ गया। एक होता है क्लियर ऑप्शन, जैसे कि मान लो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। अब मैं कैसे करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मार्क करूंगा तो मेरा तो वो एक लेके ही रहे, एक ले ही लेगा। अगर मैं सेव नहीं करूंगा, मान लो डायरेक्ट 60 पे चला जाऊंगा तो भी मैंने 56 को सेव किया हुआ था तो वो मेरा नहीं हो पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑप्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका क्लियर, देखो क्लियर रिस्पॉन्स है ना, इस पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर ऑप्शन का नौ बट आप लोगों को आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को मार्क फॉर रिव्यू का मतलब बताता हूं। जैसे कि मान लो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, आपने इसको बनाया, आपने 2 किया, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको मन कर रहा है कि मैं 63 को छोड़ के 64 पे जाऊं, लेकिन अगर टाइम मुझे बचेगा तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करूं, तो आप क्या किए यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दिए। अब देखो मैंने क्या किया, आंसर भी किया और मार्क फॉर रिव्यू भी किया, ठीक है। अब आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका ये 63 मार्क फॉर रिव्यू रहेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सबमिट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3 आंसर्ड दिखा रहा है ना, ग्रीन वाला ऊपर में देखो 3 आंसर्ड दिखा रहा है और 1 आपका आंसर्ड दिखा रहा है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सबमिट करोगे तो ये 3 और ये 1 4 दिखाएगा कि आपने टोटल 4 बनाया है, और इसमें जो आपने मार्क किया था 63 में आपका ये 2, इसको वो आंसर मान लेगा। ये होता है मार्क फॉर रिव्यू करने का मतलब, ओके। अगर आप आंसर करने के बाद करते हो कि मान के चलो 72 में मैं इसको बनाना चाहता हूँ लेकिन लास्ट में बनाना चाहता हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तब मैं बनाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, मैंने क्या किया मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये 73 है, इसमें भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मान लो 95 पे भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब मान के चलो टाइम मेरा 2 मिनट बचा हुआ है और मुझे चेक करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बनाना है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप कितना क्वेश्चन देखोगे, आपके पास टाइम मात्र 2 मिनट है, तो आप डायरेक्ट 72 देखोगे और डायरेक्ट 73 देखोगे, क्योंकि इसको आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा हुआ है, मतलब आपको मालूम है कि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं इसको बना सकता हूँ। आप डायरेक्ट 72 पे क्लिक करोगे और चेक कर लोगे, अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो डायरेक्ट 73 पे क्लिक करोगे। ये होता है मतलब, ठीक है। तो सारा फंडा आपको समझ में आ गया। अब चलो एक मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई क्वेश्चन है आपका इस तरह से, मान लो ये 44 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है, और अब क्या होता है कि आपको ये इंग्लिश प्रॉब्लम कर रहा है, आप चाहते हो कि मैं इसको हिंदी में देखूं, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप हिंदी सेलेक्ट करोगे। हिंदी जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपका ये हिंदी में आ जाएगा। कुछ एरर हुआ है, सही से लोड नहीं हुआ है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो हिंदी जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपका हिंदी में आ जाएगा। मान लो आप बंगाली हो और आप बंगाली चाहते हो तो आप बंगाली सेलेक्ट करोगे, ये बंगाली में आ जाएगा। कोई मराठी चाहेगा करना या मलयालम करना चाहेगा, मलयालम में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ गया, लेकिन देखो 40 आया मलयालम में, जैसे ही आप 40 के अलावा 41 पे जाओगे तो आपका वापस इंग्लिश आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश ही आएगा। कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको चेंज करने का मन है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, काफी आप लोगों ने मेहनत किया है। और अनलिमिटेड एजुकेशन मतलब हमारे चैनल से अगर आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है तो शायद आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लोगे। तो मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी दिखाता हूँ कि बेसिक साइंस से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो क्वेश्चन आ रहा है उसका लेवल क्या है। देखो अच्छे से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन छोड़ ही नहीं पाओगे। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। चलो
एक एक करके देखते चले जाओ क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो आप लोग इतना परेशान हो रहे हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल का इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, ठीक है। चलो देखते चले जाओ, ये सारा क्वेश्चन है आपका, और मैं आपका बेसिक साइंस का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा किस लेवल का क्वेश्चन आया है और मैंने कितना ज़्यादा आप लोगों को बताया हुआ है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज गिवन बाय। अगर आपने मेरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छा से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने बताया है। चलो अजूल इज इक्वेलेंट टू, मैंने बताया हुआ है। आइडेंटिफाई द मटेरियल हैविंग हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बताया हुआ है। चलो सारा चीज मतलब आप ये कह सकते हो कि मैंने जो पढ़ाया है उसी से है। देखो यहाँ पे थ्री रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है सीरीज में, आपको बताना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहाँ देखो आपका ये हीट एंड टेम्परेचर में मैंने बताया था आइडियल गैस इक्वेशन, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका देखो मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ, बताया हुआ है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोलता था टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 15 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन आपसे आएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो बताया हुआ है। सारा का सारा जिसने भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरियसली पढ़ा हुआ है, सब क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। अब आपको पता चलेगा, जो भी पढ़ने में कंजूसी किए होगे ना, अब आप लोगों को पता चलेगा। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से देखो, हमारे चैनल का हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये सारा क्वेश्चन देखो सब कुछ बताया हुआ है, टोटल का टोटल हर एक चीज बताया हुआ है। बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चन आया है या आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से ज्यादा क्वेश्चन आया। देखो ये भी आपका बेसिक साइंस का है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन देखा है। ये देखो मैकेनिकल एडवांटेज तुरंत आप लोग बना लोगे, ये आपका बेसिक साइंस का है। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुझे दिखा है, ओके। चलो आगे बात करते हैं, ये सारा आपका ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखो, ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, देखो एक ये आपका, एक ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, दो क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अभी तक सिर्फ दो क्वेश्चन। चलो आगे देखो, ये सारा मैंने बताया हुआ है, सारा मैंने बताया हुआ है, सारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो यहाँ पे तीन क्वेश्चन, वैसे ये मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को बताया हुआ अच्छे से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज टू सिग्निफाई डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायरेक्ट आप लोग मारोगे ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो, तीन क्वेश्चन, ठीक है, हो गया आपका। चलो आगे बात करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, ये मैंने बताया हुआ, ये सारा आपका इजी है, ये मैंने बताया हुआ है, ये बताया हुआ है। देखो ये लीवर एंड मैकेनिक्स, लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म बताया हुआ है, मतलब तीन क्वेश्चन, ओनली थ्री क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने देखा। ये बेसिक साइंस, ठीक है, ये बेसिक साइंस, ये बेसिक साइंस आपका। चलो आगे बात करते हैं, हम लोग देख लेते हैं, अभी तक टोटल थ्री क्वेश्चंस मिला है और कुछ नहीं दिखा, तो हो सकता है मान लो एक दो उसमें होगा, ये भी मैंने बताया पीछे वाला। चलो आगे देखो अच्छे से देखो, ये देखो सारा बेसिक साइंस का है। मैंने बार बार बोला था कि बेसिक साइंस से आप लोगों का ज्यादा आएगा, लेकिन आप लोगों ने जो समझा उसने अच्छा किया है, और जो नहीं समझा अब आप लोगों का प्रॉब्लम है। इसको देखो अच्छे से, ये आपका बेसिक साइंस का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका बेसिक साइंस का, ये बेसिक साइंस का, ये बेसिक साइंस का, ओनली थ्री क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखा है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग से। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे हो गया फालतू का इंजीनियरिंग ड्राइंग में लोग इतने परेशान थे, और आपका ये देखो यही आपको मैंने बताया हुआ है, तो चार क्वेश्चंस, और आपका ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आप इसको नहीं कह सकते हो, ठीक है, इसको आप इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं कर सकते हो, ये आपका मैकेनिकल के कुछ दूसरे सब्जेक्ट से, थ्योरी ऑफ मशीन से आया हुआ है चार क्वेश्चंस। अब आप लोग क्या बताओगे, ओनली फोर क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, तो आपको अंदाजा लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इतना ज्यादा वाइटल रोल प्ले क्यों करेगा, और मैंने इतना ज्यादा मेहनत
क्यों किया था, मोर देन 100 लेक्चर्स आई हैव प्रोवाइडेड इन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपको अब शायद कुछ आइडिया लगेगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग चले जाएंगे पार्ट बी में, अभी आप सबमिट नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 77 मिनट्स बाकी है, तो ये कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको पार्ट बी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि टाइम आपका 90 मिनट्स कंप्लीट होने वाला है। तो देखो इसके बाद क्या होता है, आपका टाइम यहाँ कंप्लीट हो गया और यहाँ पे देखो आप अपने आप पार्ट बी पे चले गए, मतलब क्या समझे, आपको कोई टाइम का गैप नहीं मिला। पार्ट ए आपका 90 मिनट्स कंप्लीट हुआ और आप पार्ट बी पे अपने आप चले गए, आपको सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ये आपका 60 मिनट्स यहाँ पे मिला हुआ है और टोटल नंबर आप क्वेश्चन देखो 75 क्वेश्चंस आपके पास है। अब देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन अभी भी है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मिक्स्ड पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि ये इलेक्ट्रीशियन का पेपर है या फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड का है या आरएसी का है या हीट इंजन का है या डीजल मैकेनिक्स का है। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि रेलवे है और मैं बता नहीं सकता हूँ कि रेलवे का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी आप पता नहीं कर पाओगे। मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया कि लैंग्वेज चेंज करने पे लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा था, मॉक टेस्ट इसका उतना सही नहीं है। फिर भी आप लोग यहाँ से कंफ्यूज मत करना कि अगर सारा क्वेश्चन मान लो मेरा मिक्स्ड है तो हम लोग समझेंगे कि सारा का मिक्स्ड आएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना, आपने तो ट्रेड सेलेक्ट किया है ना, अगर सेम रहता तो क्या होता, सेम अगर रहता तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है आपको फिर ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए क्यों दिया गया, खुद सोचो कि आपको ट्रेड क्यों सेलेक्ट करने के लिए दिया गया, कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा ट्रेड है। तो आपका ट्रेड वाइज पेपर होना चाहिए, आपका जो ट्रेड है आप जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपको वहां पे सारा चीज अच्छे से बता देगा। मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग देखो क्या है, सारा चीज आपका दिया हुआ है, सेफ वर्किंग टेक्निक्स रिक्वायर अ साउंड नॉलेज ऑफ, है ना, ये सारा चीज है आपका। क्वेश्चन देख लो, कुछ आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना आप लोग। और देखो यहाँ पे सारा फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ फिल्टर का ही बात हो रहा है। और मैं आपको और कुछ कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमियबिलिटी ऑफ वैक्यूम, है ना, तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। मैंने कुछ चीज ऐसा है जो मैंने कॉमन सिलेबस में करवा दिया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी 1 से लेकर के आपको शायद 13 लेक्चर मिलेगा, 6.1 से 6.13, उसमें ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, तो आप लोग जाकर के अगर नहीं देखे हो तो देखो, ठीक है। और देखो इसी तरह से अगर आप जाओगे तो मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। आप इसमें देखो फिजिक्स और मैथ का एक भी क्वेश्चन है क्या, इससे आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर सारे का मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड नहीं है, टेंशन मत लो, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं एक एक करके देख रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले, कहीं पे भी मेरा फिजिक्स और मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो जब फिजिक्स और मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरा मिक्स्ड होगा, है ना, क्योंकि रेलवे ने तो फिजिक्स और मैथ का सिलेबस डिसाइड किया हुआ है, सारे ट्रेड का रेलवे ने सिलेबस दिया हुआ है, और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि कहीं भी मिक्स्ड सिलेबस आपका नहीं है, आपका ट्रेड वाइज आएगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कहीं पे भी फिजिक्स और मैथ का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मिक्स्ड पेपर नहीं आएगा, सिर्फ आपका अपने ट्रेड से आएगा। चलो, और जैसे ही ये 56 मिनट ओवर होगा तो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा कि पार्ट ए में आपने कितना अटेम्प्ट किया और पार्ट बी में आपने कितना अटेम्प्ट किया, और आपका टेस्ट सबमिट और वापस अपने अपने घर। तो बस मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कम से कम पूरा का पूरा अगर आप लोग देखे होंगे तो काफी हेल्प आपको मिलेगा, मैंने जितना बताया है वहां से आपको काफी हेल्प आपको मिलेगा। चलो तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा,
और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपका तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं देखता हूँ उसका सॉल्यूशन होगा तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय।